नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो, मैं बैठी हूँ स्लाइम मशीन के पास, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और आज मैं आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ माइक्रोवेव का कवर, जो कि मैं बनाने वाली हूँ कपड़े का। और मैंने कोई नया कपड़ा नहीं लिया है, जो मेरे पास घर पे पड़ा था, कुछ पीसेस कट पीस मेरे पास पड़े थे, उसी से जो है मैं ये बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसके लिए नया कपड़ा भी ले सकते हैं। और पहले मैंने जो है वॉशिंग मशीन का कवर शेयर किया था आपके साथ, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का कवर, तो उसमें जो है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा जो है प्यार मिला मुझे। और मतलब काफ़ी अच्छे, अभी तक वो वीडियो जो है चल रही है और हर रोज़ उसमें जो है व्यूज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये जो वीडियो है रहेगा आज का, ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसको पसंद करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल ईजी जो है तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँ, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का किया था। तो वैसे तो हमें माइक्रोवेव को जो है जब हम उसमें मतलब कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको जो है कवर नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि माइक्रोवेव का काम जो है कभी कभी होता है, तो डस्ट वगैरह उनमें पड़ने से अच्छा है कि उसको जो है कवर लगा के रखा जाए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं उसका मेज़रमेंट लेने। और मेज़रमेंट लेने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट कर रहे हो, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के साथ कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, चैनल सर्च ना करना पड़े। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो करना ही है। तो चलिए अभी ले लेते हैं सबसे पहले मेज़रमेंट। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट की जो है लंबाई और चौड़ाई जो है ले ली है, और जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई होगी उससे जो है हमें एक एक इंच जो है एक्स्ट्रा रख लेना है मार्जिन, ताकि क्योंकि है जो सिलाई लगेगी आधे आधे इंच की उसके लिए, और आधा आधा इंच जो है वो हो जाएगा कंफर्टेबली, फिर इसमें वो जो है फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आगे फ्रंट एरिया और ये जो साइड वाला है, ये वाला एरिया जो है इसका मेज़रमेंट मैंने ले लिया है। तो अभी चलते हैं जी स्टिच करने। तो डियर फ्रेंड्स, मेज़रमेंट मैंने ले ली है, जिसमें कि 19 इंच जो है उसकी वो है चौड़ाई है और 10 इंच जो है लंबाई है। तो फ्रंट और जो बैक है वो तो रहेगा सेम मेज़रमेंट में, लेकिन जो बैक वाला एरिया होता है ना, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है माइक्रोवेव का बड़ा हुआ होता है, तो उसके हिसाब से हमें जो है एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें रखना होगा। जैसे कि 10 इंच जो है लंबाई में है, तो मतलब हमें 11 साढ़े 11 रख दूंगी मैं, तो वो जो है बिल्कुल फिट आ जाएगा। तो आप चाहें तो जो फ्रंट का जो कवर है ना, उसको नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ वो साइडों के लिए ही बनाएंगे। मैं देखूंगी कितना कपड़ा होता है, अगर पूरा हुआ तो मैं पूरा कंप्लीट ही आपको जो है बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है ये जो है अपर के लिए मैंने निकाला है ब्लैक। तो वैसे तो मैंने ये वाला कपड़ा निकाला था, लेकिन ये जो है पूरा नहीं होगा, तो इसलिए जो है मैंने अपर जो है इसका ब्लैक रख दिया है। मतलब ये वाला मैं ऊपर वाले हिस्से में लगा लूँगी, और जो बाकी के जो चारों साइड है उसके लिए लगाऊंगी मैं ये वाला। तो चलिए अभी जो है मेज़रमेंट के हिसाब से कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पे जो है मैंने ये अपर वाली जो है कटिंग कर ली है। 19 इंच हमारी जो चौड़ाई थी, यहाँ पे मैंने 20 इंच रखी है, और ये जो मतलब ये लंबाई जो बोल सकते हो आप, वो जो थी वो थी 13 इंच, तो वो भी मैंने रख दी है। मतलब ये जो है 19 बाई 13 का जो है ये हमारा बनके रेडी हो गया है। तो इसको भी रख देते हैं साइड पे, और अभी जो है फ्रंट और बैक का हम जो है कटिंग कर लेते हैं। तो ये ना, ये जो था एक टॉप था, जो कि जिसके जो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा था और न्यू था, बिल्कुल ही न्यू था, तो मैंने सोचा इसको जो है किसी यूज़ में ला देते हैं। तो इसमें ना ऐसे नीचे से ये देखिए आप, मतलब जिस पल्ले में राउंड शेप का वो बना होता है ना, वो बना हुआ है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी आगे और पीछे की तरफ।
तो ये डिजाइन की तरह आ जाएगा। तो चलिए अभी कर लेती हूँ मैं कटिंग इसकी फ्रंट और बैक की। तो यहाँ पे चौड़ाई है 19 इंच, जो कि हमें 19 इंच रखनी है। और ये जो है ये कपड़ा है, ट्वेंटी एंड हाफ, तो इसको मैं पूरा ही रख दूंगी, इसमें मार्जिन में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और जो लंबाई है वो है 10 इंच, तो ये मैं रखूंगी 11 इंच। तो यहाँ पे 11 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी। और ये जो है ना, ये दो कपड़े मैंने रखे हुए हैं ऊपर और नीचे, तो दोनों की कटिंग मैं साथ में कर रही हूँ। पे जो है ना 3 पार्ट्स जो है कटिंग हो गई है, ये देखिए 2 ये और एक वो ब्लैक वाला, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे साइड में भी रख देती हूँ इन तीनों को। ये तीनों जो है कट हो गए हैं, अपर वाला और जो है फ्रंट और बैक। अभी बारी आती है साइड की, जो साइड वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये छोटे छोटे 2 पीस मेरे पास बचे हैं। तो अभी मैं पहले क्या करती हूँ, पहले मैं इसको जोड़ लेती हूँ बीच से, फिर देखती हूँ कैसे क्या कर सकते हैं इसका, कैसे मेजर वो निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इनको जोड़ लेती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो है साइड के भी जो है दोनों पीस मैंने कर लिए हैं रेडी। थोड़ा थोड़ा इसमें ज्वाइंट पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, सिलाइयाँ जो है बहुत पक्की कर ली है मैंने। तो ये जो है, जैसे आपको पता है, लंबाई तो 10 ही थी और जो साइड की थी तो जो थी चौड़ाई 13 इंच थी, तो 1-1 इंच जो है मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। तो ये जो है हमारे 5 पीस अब बन के रेडी हो गए हैं। अभी हमें करना है इनको जो है, अभी इनको जोड़ना है हमें। तो चलिए फिर अभी जोड़ना शुरू कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहले हम जो बैक साइड है और जो यहाँ के साइड्स वाला है, जो दोनों है, दोनों साइडें हैं और बैक साइड है, वो जो है तीनों हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है बैक साइड वाला, और ये जो है दोनों साइडें हैं इसकी, ठीक है। इनको हम तीनों को पहले जोड़ लेंगे। तो अभी मैं जोड़ लेती हूँ इन तीनों को। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये रख लिया है बैक साइड, और नीचे मैं सिलाई इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे मैं लगाऊंगी लेस, जो जितना भी नीचे वाला वो रहेगा उसमें मैं लेस लगा दूंगी। मेरे पास लेस पड़ा हुआ है पुराना, तो वो जो है मैं इसमें कर दूंगी फिट, जिससे कि देखने में भी सुंदर हो जाएगा और भी, और लेस भी मेरी काम आ जाएगी। तो यहाँ पे इसके तीनों पार्ट जो है जुड़ चुके हैं, 1 और ये 2 और ये जो है 3रा, ठीक है। अब ये जो है तीनों जो है बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पे जो है तीनों साइडें इसकी जो है अभी मैंने कर ली है स्टिच। अभी मैं फ्रंट वाली भी जोड़ लूंगी, और फ्रंट वाली के लिए मैं जोड़ दूंगी साथ में जिप, और फिर उसके बाद जो है हम अपर जो है इसका जोड़ेंगे। तो पहले मैं ये जोड़ देती हूँ फ्रंट।
तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जिप को आपको रख लेना है इस तरह से, और कपड़े को उल्टी साइड से रखना है इस तरह से। फिर जब हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे ना और ऊपर से जो है सिलाई लगाएंगे तो जो जिप जो है बहुत ही अच्छे से लगती है, सफाई से लगती है, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो अभी मैं लगा लेती हूँ, एक साइड भी मैं इसी तरह से लगाऊँगी और फिर जो दूसरी साइड का कपड़ा रख के भी मैं इसी तरह से लगाऊँगी। तो जिप पहले लगाने का ये फ़ायदा होता है, फिर जो अब ऊपर वाला जो इसका मतलब जो छत वाला एरिया जो कपड़ा लगाएंगे हम, वो जो है फिर आसानी से लग जाएगा और जिप जो है बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगी ऊपर से भी। तो यहाँ पे ये देखिए जिप जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो लगी है। तो एक साइड यहाँ पे लगी है, अभी जो है दूसरी साइड की भी मैं लगा लेती हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से। और इस तरीके से ना जिप की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो यहाँ जो है ये देखिए, यहाँ पे जो है ये चारों साइड मैंने जोड़ ली है और इस तरह से ये फ्रंट साइड आई है, उल्टा कपड़ा मैंने। इसकी जिप जो है बहुत ही अच्छी सी लग गई है और ये पूरा व्हाइट कलर जो है मैच कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो अपर जो हमने कटिंग करी है कहाँ गई ये भी, अभी मैं इसको जोड़ लेती हूँ और फिर जो है इसको फाइनली आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ जो है ये जो है माइक्रोवेव कवर जो है कंप्लीट हो गया है। और अभी जो है ना, अभी एक काम मैं इसमें और करूँगी, यहाँ जो है ये जो नीचे वाला इसका बॉर्डर है, मेरे पास एक लेस पड़ा है वो मैं इसमें लगाऊंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको वो लेस। तो ये देखिए, ये लेस जो है ना मेरे पास पुराना है, मैंने किस चीज से निकाला हुआ है ये, तो ब्लैक कलर भी है इसमें, तो मल्टी कलर है इसमें, ब्लैक येलो रेड है ना। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा इसका लुक आने वाला है। तो अभी पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर चलेंगे हम इसको लगाने। फ्रेंड्स, यहाँ जो है माइक्रोवेव का कवर हो गया है रेडी और यहाँ देखिए लेस कितनी प्यारी लगी है। और चलिए अभी जो है इसको करते हैं फिट माइक्रोवेव में और देखते हैं कैसा लग रहा है ये। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है IFB माइक्रोवेव का जो है कवर बन के रेडी हो गया है। मेरे पास IFB का माइक्रोवेव है तो उसी का कवर मैंने बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा और थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और मार्जिन रखने का यही प्रॉफिट होता है, जबकि कवर देखिए बिल्कुल ईजिली बहुत ही अच्छे तरीके से जो है माइक्रोवेव में फिट हो गया। तो अभी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग जो है अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। अभी मिलते हैं कल, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।